हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये आपको बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, जो भी क्वेश्चन है इन सभी का जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी आपको बताना है। तो देखिए क्या आ जाएगा इसके अंदर, ट्रू आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू यस आएगा इसमें, बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्यों बस रियल नंबर होते हैं? तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमने इसमें जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके अंदर भी नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। तो नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 इस टाइप से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये नंबर आते हैं, -1, -2, 0, 1, 2 इस टाइप के। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन में पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर होते हैं, ये क्या होते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। और ये जितने भी हैं ये सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर इसके अंदर मिल रहे हैं। ऐसे ही इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 एंड सून इस टाइप से। तो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले भी सारे नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर आपसे पूछी जाए कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू यस, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जितने भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे इसमें आ रहे हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर में। ऐसे ही नेचुरल नंबर किसके अंदर, इरेशनल में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, इरेशनल में आते हैं, ट्रू, रियल में आते हैं, ट्रू। ऐसे ही होल नंबर इंटीजर में आते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रू, होल नंबर रेशनल में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू। आप यहाँ से और इस टाइप जब आप जाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। जब आप पीछे की साइड आएंगे, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, तो आप देखिए 0 होल नंबर में है, क्या ये नेचुरल नंबर में 0 है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यही इसमें दे रखा था, क्या इरेशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर में होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या दे रखा है इसके अंदर कि एक नंबर लाइन है, ये हो गई एक नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि जो रूट एम है,
अगर एम नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या सारे के सारे जो भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर लाइन के ऊपर शो होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो वन से स्टार्ट होता है। तो आप अगर इसमें नेचुरल नंबर लेंगे एम की वैल्यू, तो सारे कहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे आपको, इधर जीरो से आगे की तरफ मिलेंगे, नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। और नंबर लाइन पे क्या आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और रीजन आप नोट कर देंगे, क्या फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ये बताना है। तो देखिए, सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसे हमने लिया रूट फोर लिया, तो रूट फोर अपने पास क्या आ गया भाई, इरेशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो आया है ये क्या है, रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। ऐसे ही जैसे हमने रूट नाइन लिया, तो रूट नाइन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री। तो थ्री अपने पास क्या होगा भाई, रियल तो होगा लेकिन इरेशनल नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स बिकॉज टू इज ए रियल नंबर बट नोट इरेशनल, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड पार्ट। अगर आपको देखिए, फर्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, क्या दे रखा है फर्स्ट में, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, और इसमें क्या दे रखा है, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल। अगर ये ट्रू था तो ये तो अपने पास क्या होना था, फॉल्स। क्यों, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो सारे के सारे किस में मिल जाएंगे, रियल के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन रियल किस में नहीं मिलेंगे, रेशनल के अंदर नहीं मिलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, ओके। क्वेश्चन सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप किसी भी पॉजिटिव कोई भी इंटीजर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी एग्जांपल दीजिए जो रेशनल नंबर हो, तो ये क्या होगा अपने पास, नो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। सोल्व नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नोट इरेशनल। एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें पूछ भी रखा है कि एग्जाम्पल बताइए, तो इसलिए हमें एग्जाम्पल इसमें दिखाना होगा। एग्जाम्पल क्या है वो देखिए, हमने लिया रूट फोर, फोर का स्क्वायर रूट करेंगे कितना जाएगा, टू, और टू अपने पास कैसा नंबर है, रेशनल। रूट नाइन, नाइन का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा, थ्री, थ्री अपने पास कैसा है, रेशनल। 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 अपने पास कैसा नंबर है, रेशनल। एक्स्ट्रा आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो इसको। क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, सभी रेशनल है, तो पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने लिया, पॉजिटिव का मतलब प्लस का नंबर लेना है और वो उसका रूट लेना है, तो क्या हो गया, हमने फोर लिया, इसका रूट निकाला कितना आ गया, टू आ गया, तो टू हमारे पास कैसा नंबर है, रेशनल।
अब देखिए, जैसे अपने पास रूट के अंदर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, और जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाता है वो क्या होते हैं, रेशनल। हमने लिया रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर। अब फोर का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल रहा है तो ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, रेशनल के अंदर आ जाएगा। और ये जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर। तो इसलिए हमने ये कुछ नंबर लिए जिनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कंप्लीट आ जाता है, और वो कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होंगे उनका स्क्वायर रूट। ओके, तो ये हो गया, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिए है जो कुछ रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन थर्ड, सो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट फाइव को नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, रूट फाइव को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम आपने की होगी, क्या होती है, एक राइट ट्रायंगल होती है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या होती है, राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो राइट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। अब ये हमारे पास जो ओरिजेंटल हो गई, ये तो हो गया बेस, और 90 के सामने जो होती है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। और क्या होता है, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस का जो स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो जब हम हाइपोटेन्यूस निकालते हैं तो क्या हो जाता है, अनरूट बी स्केयर प्लस पी स्केयर। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने कर रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ से इसका यूज करेंगे। तो जब भी आपको किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो परपेंडिकुलर तो हम क्या रखेंगे, वन यूनिट रखेंगे, परपेंडिकुलर तो क्या लेंगे, वन यूनिट। ठीक है, वन यूनिट, और बेस हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, रूट फाइव, तो रूट फाइव को सिंपल तरीके से देखिए आप क्या नोट कर सकते हैं, रूट परपेंडिकुलर और बेस दो नंबर हो जाएंगे। जब आप इसको ब्रेक करके नोट करेंगे तो परपेंडिकुलर वन रखना है, ठीक है, और वन का स्क्वेयर कर लेंगे, क्या होता है, वन। दूसरा नंबर क्या बच गया अपने पास, बेस, तो बेस अब इधर वन आने के बाद अपने पास क्या बच जाएगा, फोर बच जाएगा, और फोर क्या करेंगे, टू का स्क्वेयर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, टू का स्क्वेयर। तो बेस कितना आ गया अपने पास, बेस हो गया टू, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, वन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, रूट फाइव। तो बेस हमें क्या लेना है, टू यूनिट लेना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है, वन यूनिट लेना है, तो हाइपोटेन्यूस अपने पास कितना आ जाएगा, रूट फाइव। और ये आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, तो ये समझ आया होगा प्रोसीजर आपको। देखिए परपेंडिकुलर एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने लिया वन, ठीक है, और वन का स्क्वेयर, बेस कितना लिया, टू, टू का स्क्वेयर। तो इधर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वेयर। तो देखिए वन, वन का स्क्वेयर अपने पास क्या आ गया, वन, और यहाँ पे बेस सॉरी टू लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, तो टू का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, फोर एच स्क्वेयर। ये स्क्वेयर है, इधर जाएगा अपने पास क्या लग जाएगा, रूट, वन प्लस फोर कितना होता है, फाइव, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, रूट फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि बेस हमें क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, तो ये आपको समझाने के लिए बताया था सब कुछ। अब देखिए रिप्रेजेंट
कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है, और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ये हो गई एक नंबर लाइन अपने पास। इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, नंबर नोट करने हैं। क्या करने हैं, नंबर नोट करने हैं। तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हम नंबर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे स्केल से, ये जो अपने पास डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, 18, 19, 20 यहाँ पे डॉट करके लेंगे, या फिर कंपास का साइज ओपन करके और वहाँ से भी आप नंबर लाइन पे पॉइंट नोट कर सकते हैं। जैसे ये इस टाइप से, यहाँ से, और इन पे हम क्या करेंगे, नंबर नोट कर देंगे। जो हमें परपेंडिकुलर लेना है वो कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे नोट किया 0, ये कितना हो गया, -1, -2, 1, 2, 3, 4, और ये अपने पास क्या था, 5, ये हो गई नंबर लाइन। तो बेस कितना लेना था, 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 0 से लेके और 2 तक, ये अपने पास क्या हो गया, 2 यूनिट बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए परपेंडिकुलर हम लेंगे, तो आपने इस लाइन के ऊपर इस लाइन को नोट चेक करना है, बिल्कुल इसी पे होना चाहिए, सेंटर हमारा 2 के ऊपर होना चाहिए, और 90 के ऊपर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो अब जब आप इस पॉइंट को और इस 2 को ज्वाइन करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाती है, ये परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये यहाँ पे नोट कर लिया, तो परपेंडिकुलर हमें कितना लेना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे हमने ले रखी है। तो यहाँ से कंपास रखा, कट किया, तो ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है अपने पास, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास हो गया 1 यूनिट, और ये यहाँ से और यहाँ तक ये अपने पास कितना हो गया, 2 यूनिट, ठीक है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये राइट ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज अपने पास अभी निकाला था, ठीक है, √5। क्या आ जाएगा, √5। तो इसको ज्वाइन कर दिया तो अपने पास आ गया √5। ये जो लेंथ है ये यहाँ से लेके, आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो, ये मान लो आपने लिया O, ठीक है, ये A और ये B। तो ये जो ओ बी आ गई, इसकी लेंथ अपने पास कितनी आई है, √5 यूनिट्स। अब जब आप यहाँ से और यहाँ तक का कंपास ओपन करेंगे B पॉइंट जितना, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, √5। अब इसको किधर भी मूव करो तो ये लेंथ अपने पास कितनी रहेगी, √5 ही रहेगी। कितनी रहेगी, √5। तो मैंने यहाँ से और कंपास को इधर मूव किया, तो ये इस नंबर लाइन को जहाँ भी कट करेगा ये अपने पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5। तो इस टाइप से हमें नंबर लाइन पे क्या करना था, √5 को रिप्रेजेंट करना था, जो अपने पास ये √5 आ चुका है, ठीक है। इस पॉइंट का नेम नोट करना चाहो कर सकते हो, PEC जो भी आप रखना चाहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्लासरूम एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक ए लार्ज सीट, और क्वेश्चन है। तो इसमें एक्टिविटी के बारे में बता रखा है कि आपको ये जो एक्टिविटी है किस टाइप से करनी है, और इसमें √2, √3, √5 इस टाइप से आप जो इनको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप √2 का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप √2 तक इसको नोट कर सकते हैं, √3 के बारे में पूछा जाए तो वहाँ तक कर लेना, √5 के बारे में पूछा जाए, तो ये कंटिन्यूटी आपको ये करना है। तो किस टाइप से करेंगे वो देखिए आप, क्या इसके अंदर एक्टिविटी करेंगे तो आपको एक स्पायरल बनेगा, एक स्पायर शेप के अंदर आ जाएगा। हमने 1 यूनिट बेस लिया, क्या लिया, 1 यूनिट हमने बेस ले लिया।
तो ये हो गया है अपने पास वन यूनिट, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वन यूनिट हमने ले लिया आराम से, क्लियर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ओ, और ये जो हमने बेस लिया है ये हो गया ए, और ये हमने कितना लिया है वन यूनिट। अब इस पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, क्या लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल लेंगे, तो ए पॉइंट के ऊपर हमने क्या लिया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को और ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है यहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो हमें कितना लेना है परपेंडिकुलर वन यूनिट, तो यहाँ तक लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक वन यूनिट हो जाएगी। तो बेस कितना हो गया वन यूनिट, परपेंडिकुलर कितना हो गया वन यूनिट, परपेंडिकुलर हमने लिया वन यूनिट और इस पॉइंट को नोट कर देंगे पी, और इसको हम क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे, क्या कर लेंगे ज्वाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लेंथ आई है ये कितनी आ गई रूट टू, बेस वन लिया परपेंडिकुलर वन लिया, तो लेंथ अपने पास कितनी आ गई रूट टू। अभी जस्ट हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, बेस क्या हो गया वन, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा अंडर रूट बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, तो वन का स्केयर वन प्लस वन का स्केयर वन, और वन प्लस वन कितना आ गया रूट टू। तो जब भी आपको नंबर लाइन पे भी रूट टू अगर पूछा जाता है तो आप क्या लेंगे, बेस वन यूनिट ले लेना नंबर लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, जीरो से वन तक परपेंडिकुलर वन लेंगे, वो पी पॉइंट आएगा, कोई भी नहीं नोट कर सकते हैं, ज्वाइन करना यहाँ से यहाँ तक कंपास ओपन कर ला, लेंथ हो गई ये कितनी रूट टू, और आर्क लगा लेना, ये नंबर लाइन को जहाँ भी कट करेगी रूट टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम तो क्या कर रहे हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अब रूट थ्री कैसे आएगा, अब अपने पास बेस क्या हो जाएगा रूट टू, बेस क्या हो जाएगा रूट टू, परपेंडिकुलर कितना लेते हैं रूट थ्री, तो परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है वन यूनिट, तो देखिए वन यूनिट लेते हैं परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा इस बार पी पॉइंट के ऊपर, और परपेंडिकुलर कितना लेना है वन यूनिट लेना है, तो वन यूनिट यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वन यूनिट हो गई। ठीक है, इस पॉइंट का नेम हम नोट कर लेंगे पी वन, परपेंडिकुलर वन यूनिट हो गई, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास लेंथ कितनी आ जाएगी रूट थ्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी रूट थ्री। देखिए हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, बेस अपने पास कितना है रूट टू का स्केयर, परपेंडिकुलर कितना है वन का स्केयर, तो स्केयर से रूट कट जाएगा टू प्लस वन, और टू प्लस वन कितना आ गया रूट थ्री आ गया। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो गई रूट थ्री। अब इसके बाद क्या करेंगे रूट फोर निकालेंगे, तो रूट फोर के लिए क्या करेंगे परपेंडिकुलर, अब पी वन के ऊपर वन यूनिट लेना है, तो पी वन के ऊपर परपेंडिकुलर वन यूनिट लेते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे ये वन यूनिट अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया यहाँ से लेके और यहाँ तक वन यूनिट हो गई, तो इस पॉइंट का हम नेम नोट कर लेंगे क्या पी पी वन पी टू, क्या हो जाएगा पी टू, और इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा रूट फोर। ठीक है, अब क्या करेंगे रूट फाइव निकालेंगे, तो रूट फाइव में अब इस ओ पी टू के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, वन यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ से, और हमने परपेंडिकुलर कितना लिया वन यूनिट लिया, तो वन यूनिट का परपेंडिकुलर पॉइंट नोट कर देंगे वहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक अपना पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया पी थ्री, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अपने पास जो लेंथ आएगी ये कितनी आ जाएगी रूट फाइव। ठीक है, अब क्या करेंगे रूट सिक्स, तो ओ पी थ्री के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है,
अब इस पेपर पेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट, तो देखिए 90 डिग्री का एंगल 90 पे टिक किया, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा और हमें परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट, तो यहाँ से और यहाँ तक हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं इसको हमने क्या लेट कर रखा है, 1 यूनिट लेट कर रखा है। ये हो गया P4, इसको हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, तो ये अपने पास क्या जाएगा, √6, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपना स्पाइरल बनता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है। देखिए परपेंडिकुलर कितना लेते हैं, यहाँ पे हमने टिक किया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले रहे हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक ये हो गई अपने पास 1 यूनिट, ये हो गया P5, इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ये जो अपने पास लेंथ आई है, ये लेंथ कितनी आ गई, √7। इस टाइप से आगे आप कंटिन्यू रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप नंबर लाइन फिर रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, समझ लेना। देखो इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी ये एक्टिविटी इस टाइप से कंटिन्यू चलेगी। जैसे ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है, तो इस पर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, √2 कैसे आ जाएगा, यहाँ से कंपास ओपन करो, आर्क लगाओ, ये जहाँ कट करेगा ये क्या हो जाएगा, √2। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, √3, कट करो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √3। यहाँ तक कंपास ओपन करो, √4, यहाँ पे आ जाएगा √4। और √4 क्या होता है, 2 यूनिट होता है, आप चेक कर लेना, ये 2 यूनिट ही होगी हमारे पास। देखो ये तो हो गई यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक 1 यूनिट और ये क्या हो गई, 2 यूनिट, तो यहाँ पे आ गया। इसी टाइप से √5 करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, √5, आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, √5। इस टाइप से कर लेंगे। तो ये एक्टिविटी थी, और इस एक्टिविटी से आप सोल्व करेंगे नंबर लाइन पे, तो एक नंबर लाइन लगाना और इस टाइप से आप इनको जहाँ तक भी आपसे पूछा जाए वहाँ से तक कंटिन्यू करके और एक आर्क लगा लेना, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।